यहाँ टिप्पण कार्य करे त्रिपुर सुंदरी हृदय नामक कोई ग्रंथ होगा, त्रिपुर सुंदरी हृदय नामक ग्रंथ में ये सारी बात और ज्यादा स्पष्ट है जिसको मैं बताने जा रहे। बिंदुस्तान सुधा सिंधु नवयोन्य सुरद्रमा तत्रे पन्नीप श्रेणी च तन्मध्ये मणिमंडपम। बिंदुस्तान ही वास्तव में अमृत का सागर है, वहां पहुंचने का जो अमृत ही हो जाता है। वहां पहुंचने के लिए नौ चक्र नवयोन्या पहले बोल चुके हैं, नव धातु है तो वहां सुरद्रुमा, और वहां पर क्या है कल्पद्रुम वृक्ष भी जैसा वृक्ष भी है, जो चाहो वो मिल जाने वाला। तत्रैव नीप श्रेणी, और वहीं पर पहाड़ की चोटियां हिमालय की सारी दिव्य वनों से युक्त वो है। तन्मध्ये मणिमंडपम, उसमें मणिमय मंडप भी विद्यमान, और वहां पर जो यह देवी का मंदिर है देव्या मंदिर उत्तमम तत्रैव, देवी का मंदिर जो सर्वोत्तम वहां पर विद्यमान है। अन्य जगहों में भी सारी देवियां हैं, हर चक्र में देवियां हैं, वहां हर चक्र में देवी मंदिर है, यहाँ की क्या विशेषता है। चिंतामणि कृतम, चिंतामणि मंत्र के द्वारा निर्मित है, दिव्य जो चिंतामणि मंत्र है उसके द्वारा साधित दिव्य मंदिर है। शिवात्म के महामंचे महेशानोपबर्रणे, शिवा किसकी तो टीका में आ रही है इसलिए आगे के सब टीका में है। देव्या मंदिर मित्यर्थ देवी मंदिर चतुश्चत्वारिंशत् कोणात्मकम् श्रीचक्रम, चौवालीस कोण है, यहाँ त्रिकोण गिनोगे ना 44 कोण बन जाएंगे, ऐसा जो श्री चक्र को ही देवी मंदिर कहा जा रहा है। त्रिकोणात्मक श्री चक्रस्य बैंदवस्थान प्रतिमित, उसमें भी त्रिकोणात्मक जो श्री चक्र सभी चक्रों में वो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें भी बिंदु और श्रेष्ठ, क्योंकि सारा चक्र ही उस बिंदुस्थान के प्रति अवयव है। बैंदवस्थान से प्रधान बैंदवस्थान ही प्रधान है, अंगे सर्वेश अंगे शर प्रधानम, समस्त श्री चक्र सबसे ऊपर बिंदुस्थान ही प्रधान होता है। प्रधान एक गुण से अंतर्भाव, और प्रधान हमेशा जो गुणभूत होते हो सब उसी में अंतर्भाव हो जाते हैं। तदंतर्भावित रहस्यम, यही यहाँ रहस्य है, अन्य का नाम न लिए हैं लेकिन समझना चाहिए उसी में सब अंतर्भाव करके स्थिति सबकी हो रही है। शिवा नाम शक्ति कुंडलनी, शिवात्म के महामंचे है ना, कहते शिवा किसको कहते हैं उसे नहीं, उसे पहले और दे शिवात्म के महामंचे महेशानोपबर्रणे, कहते शिवात्म जो पंचम जो आपका चक्र है उसे शिवात्मक महामंच माना जाता है। महेशानोपबर्रणे, उपबर्रण कौन है वह साक्षात महेशान है। अतिरम्य स्थल तत्र कशिपुश्च सदाशिव, और सदाशिव तकिया बना हुआ है। भृतकाश्च चतुष्पादः, और भृतका मैंने भृत्या ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र ईश्वर है, ये जो चार क्या हैं चार पहिया बने हुए हैं। महेंद्र च पदत ग्रह, और महेंद्र क्या है यह पदत ग्रह बना हुआ है, उड़ता हुआ ग्रह मैंने पंखे के जैसा है, आगे वर्णन आएगा उसका। तो तत्र आस्ते परमेशानी महात्रिपुर सुंदरी, ऐसे में वो परमेशानी महात्रिपुर सुंदरी परम जो शासन करने वाली, वह जिस पर और किसका शासन नहीं है सब पर उसकी शासन है, ऐसे परमेशानी महात्रिपुर सुंदरी वहां रहती है। शिवार्क मंडलम भित्वा द्रावयंतिन्दु मंडलम, शिवार्क मंडलम का अर्थ क्या, शिवा नाम शक्ति, शिवा एक शक्ति का नाम, कौन सी शक्ति कुंडलिनी। अर्कमंडलम मैंने हृदय कमलो परिस्थितम भित्वा, हृदय कमल से ऊपर में स्थित वो अर्कमंडल कहा जाता है। उसका भेदन किया भिन्नं कृत्वा अवयुत्य आच्छाद्य, उसको दबा कर आच्छान कर ढक कर
अर्कमंडले उपरिस्थितम, अर्कमंडल के ऊपर में स्थित क्या है? ब्रह्मद्वार। ब्रह्मद्वार को भी पिधाया, उसको बैठा कर दिया, वहां से निकलने गया, उससे बल्कि आगे बढ़ करके सहस्रार कमलांत स्थितम इंदु मंडलम दशति द्रावयति तीर्थः। सहस्र कमल वाला के भीतर में से तो वो इंदु मंडल जो चंद्र मंडल है उसमें जाकर वो एकीभूत हो। तनुद भूतामृत स्यंदी, वहां क्या देख रहे हैं आप? वहां अतः कुलयोषित कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को इस कुल का सर्वश्रेष्ठ देवी मानी गई, कुलयोषित है। वो क्या कर रही है? उसके वहां निरंतर लोग पूजा कर रहे, ऋषि महर्षि सब लोग, सिद्ध लोग, और उसकी पूजा करने से अभिषेक करते हैं, जो उसके चरण की ओर से आता है वही अमृत है। इंदु मंडल में स्थित देवी का चरणोदक वही अमृत है। वही तनु उद्भूत अमृत स्यंदी, तनु मने शरीर, उसे उद्भूत क्या हुआ? लोगों ने अभिषेक करा तो उससे निकल पड़ा इसके शरीर के ऊपर से अमृत, वो बह रहा है। उससे परमानंद नंदिता, परमानंद से आनंदित होते सभी के उसी को प्राप्त, उसके बूंद पा करते सब परमानंद। ऐसी कुलयोषित कुलम त्यक्त्वा, अपने इस एक शरीर का अभिमान को छोड़ करके परम वर्षण मेति सा परम वर्षण मेति, नित्य आनंद की वर्षा करने लगती है, नित्य आनंदानुभूति आपको होने लगता है। कुलम कुलमार्गम त्यक्त्वा तत्रैव इंदु मंडले आस्थाय, उसी इंदु मंडल में रख करके परम वर्षणम उत्कृष्ट वर्षणम द्विशत सहस्र नाडीषु वर्षणम कृत्वा, आपके शरीर का हर नाड़ी में 72,000 नाड़ियों में प्रमुख नाड़ियां हैं, इन सभी में आनंद की वर्षा का अनुभव मिला। यहां पर 72 करोड़, 72 लाख, 72,000 आया था ना, 10,201 ऐसे कुछ आया था उपनिषद में, यहां सब में से मुख्य 72,000। सा कुंडली पुनः स्वस्थान नेत्य, वह कुंडली पुनः अपने स्थान से निकल करके जो वहां थी वास्तव में वहां से निकल गई है। आम आदमी का क्या हाल है बता रहे, वहां से निकली कुंडलिनी शक्ति नीचे आ गई, नीचे आ गई, आ गई कहां तक आई? स्वाधिष्ठान से नीचे चली गई, मूलाधार में चली। स्वाधिष्ठ स्वस्थानम एत्य स्वाधिष्ठानम एत्य स्वपि, स्वाधिष्ठानम अपना जो अपना अधिष्ठान लौकिक दृष्टिकोण में कौन सा, इस मूलाधार चक्र में आकर के बैठ गई, इसका शिवादिना मंचत्व प्रधानत्व पतग्रहत्व आकृत्यापन्नत्व कामरूपत्व। और शिव जी को भी आपने कह दिया, सदाशिव को कह दिया तकिया है, ये देवताओं को आपने बता दिया सब जो है, ये है पहिया है, ये है वो, ये सब क्या है? कहते ये सब इतना ही है, ये सब कामरूप है संसार, चाहे कोई भी देव देवता अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए शक्ति का पीछा पड़े रहते हैं, इसलिए कोई कुछ बन रहा है खुश करने में लगा अपने मतलब से, अपने मतलब कामरूपत्वात् देवानां अत्यंतमेव अर्थो घटते, देवताओं के लिए तो ये जो बात इसलिए अत्यंत ही अर्थ घटता ही है, उचित ही है, शोभा देता है उनका ऐसा करना। आज यही तो सब लोग कर रहे हैं, स्वार्थ है, जा रहे हैं मंदिरों में, जा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कहां तिरुपति बालाजी, हर जगह दौड़ रहे हैं लोग, जाके सेवा कर रहे हैं, अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, लौट लौट के प्रणाम करना नहीं, लेट लेट के पलट पलट मारते रहे, कोई तो संकल्प हम यहां से पैदल वैसे नमस्कार करते नीलकंठ जाएंगे, जाते हैं प्रणाम करें खड़ा लकीर मारेंगे हाथ रख कर, फिर खड़े होकर बस आए, फिर वहां से फिर प्रणाम करें, फिर लकीर मारें, ऐसे करते करते नीलकंठ पहुंचे। शिवरात्रि में देखते हम कितने हैं तो बिहारी तो करते हैं, तो जो भी है वहाँ चंद्रेश्वर मंदिर के लिए करते हुए जाते हैं, एक ठेली पर शिव जी रख लेंगे, म्यूजिक बजाएंगे, वो चलते रहता है पीछे पीछे। नो कथम बैंदव स्थान श्री चक्र से मध्यस्थित,
इन बैंदो स्थान को श्री चक्र का सबसे ऊपर रहता है जो बिंदु, उसको हमने बीच में कैसे कह दिया पंचम चक्र में, ये प्रश्न उठ रहा है। इन श्लोकों में आपने बीच बता दिया, अन्यत्र तो ऊपर बताते हो। क्या कहते हैं, वास्तव अभेद करके ऊपर की शक्ति पांच है, इधर का शिव चार है, वो बीच में आ गया ना, उसी को यहां के अपेक्षा से ऊपर माना जाएगा उसको, शिव चक्रों में सबसे ऊपर माना जाएगा बिंदु को, इसलिए आता दिया गया। और वास्तव में दोनों का भेद है, ये कह रहे शिव चक्राणाम शत्रुनाम ऊपरी, शक्ति चक्राणाम पंचानाम अधस्तात, और शक्ति चक्र जो पांच उसके नीचे में अवस्थितत्वात् अवस्थित होने से सहस्रार पद्मस्य शिरस्थितत्वात्, और सहस्रार कमल कहाँ है लेकिन सर में है, सर्वेषाम ऊपरी वर्तमान तो सबसे ऊपर है वो, जहां पर कहा सबसे ऊपर में वो शरीर के दृष्टिकोण सबसे ऊपर ही है, इस दृष्टिकोण से वहां कहा दे रहे हैं। और जब श्री चक्र में नौ आवरण को देखेंगे, पांच पर चार ऊपर नीचे हैं, इनमें सबसे ऊपर माना जाएगा, शिव चक्रों का सबसे ऊपर बिंदु स्थान माना जाएगा। इसे दोनों बात अलग अलग दृष्टिकोण से कही जा रही है, दृष्टिकोण समझ रहा है। शिरस्थित सर्वेशा ऊपरी वर्तमान तस्य बंधुस्थान नोपपद्धति चेत, और इसको बंधुस्थान करना, इसलिए पंचम को भैरवस्थान करना ठीक नहीं, सहस्रार पद्म की बात करते हो तो निशम्यता, तो सुनो समझे बिना बोल रहे हो। चतुर्भिः शिव चक्रैश्च शक्ति चक्रैश्च पंचभिः शिव शक्ति मयञ्जेयम् श्री चक्रम शिवयोर वपुः। श्री चक्र शिव और शक्ति दोनों का मिला हुआ एक शरीर है, वो कैसा है, चार चक्र शिव का है, पांच शक्ति का है, अतएव शिव शक्ति मय यह श्री चक्र को शिव और शक्ति का ही शरीर समझो, इसीलिए त्रिकोण को उल्टा कर देते हैं। श्री यंत्र को पूजा करने की दो प्रक्रिया, आप कैसा रख रहे हैं श्री यंत्र, ऐसे त्रिकोण बन रहा है सबसे ऊपर वाला त्रिकोण ऐसे है, या इसकी उल्टा करके यूं कर यूं हो गया, कैसा कर रहे हैं आप पूजा रख कर, वो निर्भर। हाँ है मार्ग, कौन मार्ग वहां मार्ग का भेद है, षटकोण तो बहुत सारे कोण है ही है, 44 कोण बता रहे हैं ना, तो बने हुए ही हैं। इन सबसे ऊपर तो एक ही होता है त्रिकोण होता है, षटकोण कोण कुछ नहीं होता, सबसे ऊपर में त्रिकोण है, उसके नीचे वाले सब कोण आते रहेंगे, दुनिया बढ़ते रहेंगे, सबसे ऊपर त्रिकोण जिस पर गोल बिंदु है, उस त्रिकोण की बात हो घुमा क्यों रखोगे तो इधर आ जाएगा उसका अपेक्स, बोलते ना उसको अंग्रेजी में तो अपेक्स बोलते, ऊपर का जो नोक होता है टॉप, उसको नीचे करना है कि ऊपर करना है। आम आदमी के लिए क्या जो भोग प्रदान में सरकार का भी क्या चिन्ह है, फैमिली प्लानिंग वाले का, ये तो लाल है ना, लाल रंग मेडिकल में त्रिभुज है, नीचे होता है नोक, फ्लैट ऊपर होता है ना, बेस जो तो ऊपर यूं नोक यूं बना लाल रंग पेंट करते, ये हर आदमी के इंद्रिय स्थान को ऐसे ही देखा जाता है ना, लंगोटी पहनोगी वो होगा ना निचले, भोग प्रदान वाले लोग ऐसा श्रीयंत्र पर वाम मार्ग, और उत्तरोत्तर मुक्ति को आगे बढ़ना तो कौल मार्ग तो ऊपर करते उल्टा कर देगा, अधोरेत को ऊर्ध्वरेत करते, चिन्ह अधोरेत का चिन्ह, ऊर्ध्वरेत करने तो उल्टा करो, उस रूप से रखना पड़ता, कौन मार गया वो है ही नहीं, वो षडयंत्र है ही नहीं, वो तो षडयंत्र ही नहीं, उसको षडयंत्र माना ही नहीं जाएगा, ऐसे बना है तो कोई ना ना, वो षडयंत्र नहीं, यंत्र तो ऐसे बहुत सारे हैं, षटकोण के भी अष्टकोण के भी यंत्र तो बहुत सारे हैं, यंत्र बना के रख लो कोई भी यंत्र है अलग अलग, वो तो है शास्त्र सम्मत है, ऐसे बहुत सारे हैं बता रहा हूँ ना, हजारों श्री यंत्र है, अभी आए थे यहाँ सारा यंत्र मंत्र उसी में, यही तो बोले थे अभी, उतरे थोड़ी
अनुष्ठान प्रकाश में देख लो कितने यंत्रों को दे रखे हैं। एक आते यंत्र राजमंजरी पुस्तक आता है, इतना मोटा सा पुस्तक 1200 पन्नों की, बहुत सारे यंत्र अलग अलग काम किया, अलग अलग मेरे पास बहुत सारे यंत्र अलग अलग काम मेरे का। दूसरा था काम सूत्र नाम से एक था, मैंने आप जैसे काम है उसके अनुसार सूत्र दे रहे हैं, मंत्र साबर मंत्रों के लिए वो पुस्तक एक महात्मा ले गए तो ले गए दी दिए उसे दुनिया और यंत्र दुनिया में मंत्र दी थी, अनुष्ठान ग्रह विधि सब कुछ था उससे, इतना दिन करो इतने करो ऐसे ऐसे करो तो कोई मंत्र सिद्ध हो जाए यंत्र सिद्ध हो जाए। वो उसको दो चार फल देगा अच्छा अच्छा था उसने हमको करना है कहा तो 3 महीने के बाद वापस दूंगा अनुष्ठान के बाद, लेकिन आया ही नहीं गया पता नहीं कहाँ पुस्तक चला। तो चलिए कैसे इत्यादि शक्ति चक्राणी त्रिकोण अष्टकोण दशकोण द्वितीय चतुर्दश कोण आत्मगानी पंच चक्राणी, शक्ति चक्र कितने 5, एक त्रिकोण है ऊपर वाला, फिर अष्टकोण है, फिर दशकोण है, दशकोण वाले 2 ठीक है और चतुर्दश कोण, ये जो 5 शक्ति चक्र 3 8 10 10 14 कल भी बताया ना 3 8 10 10 14 ये शक्ति चक्र हो गए। फिर ये शिव चक्राणी तो अष्ट दल षोड़श दल मेखला तृतीय भूपुर तृतीय, अष्ट दल वाला एक चक्र है, षोड़श दल वाला एक चक्र है, ये मेखला 3 है और भूपुर 3 है। ये जो मेखला त्रिक 1 माना जाएगा, भूपुर त्रिक 1 मान गया, 2 षोड़श दल पद में 1 और अष्ट दल पद में 1, ये 4 चीजें जो है शिव चक्र तृतीयात्मकानी थी। अतः शक्ति चक्राणाम बाह्यतः शिव चक्रेण बिंदु रूपेण आकर्ष, शक्ति चक्र का से अलग करके शिव चक्र को बिंदु रूप से आकृष्ट करके शक्ति चक्रांतर स्थापित, उसको शक्ति चक्र के अंदर ही स्थापित कर दिया, अंतर्भाव कर दिया उसको शक्ति चक्र 5 में ही, 4 जो है शिव चक्र को भी अंतर्भाव कर दिया गया अभेद सिद्ध करने दोनों का। अतएव बिंदु शिव चक्र चतुष्टयात्मक शक्ति चक्रेषु पंचसु व्याप्नवान, इसे जो बिंदु कहा जाता है शिव चक्र चतुष्टय के अंतर्गत है जो, वह शक्ति चक्र जो पंचक के अंदर जब अंतर्भाव कर दिया उनमें ही वो व्याप्त हो गया, आज उसी में समाप्त हो गया विलय हो गया। इति शिव शक्ति हो ऐक्यम इति केचित्, ऐसे ऐक्यता के आधार पर जवाब कुछ नहीं दे रहे। अन्य तो बिंदु त्रिकोण और ऐक्यम, ऊपर जो है बिंदु और त्रिकोण वो दोनों एक में समझो एक कर देंगे, और दूसरा लोग क्या, और दूसरा क्या अष्टकोण अष्टदल को एक कर दो ठीक। फिर दशायर युग्म तो 10-10 वाले 2 थे उनको षोड़श दल के साथ एक कर दो, उन्हें 2 2 4 और 3 7 हो गया, 2 बच गए, चतुर्दशार और भूपुरों को एक ही कर दो। इतने न प्रकार न शिव शक्ति और एक क्या हो, मैंने एक शिव चक्र एक शक्ति चक्र 2 एक जोड़ा बना दो, फिर एक शिव चक्र एक शक्ति चक्र 2 का एक जोड़ा बना, फिर 2 शक्ति चक्र एक शिव चक्र को मिला दिया वो एक जोड़ा हो गया, फिर अंत में एक एक बच गया जो उन दोनों को। इस प्रकार सभी ऐक्यता कुछ लोगों का कहना है। अत्र बिंदु शब्द है ना शिव चक्र चतुष्टय प्रतिनिधि भूतो वर्तुलाकारो लक्ष्य आगे ना, यहाँ बिंदु शब्द इसलिए हमेशा शिव चक्र चतुष्टय में जो का प्रतिनिधि रूपेण ऊपर में जो गोल राउंड मारा जाता है वर्तुलाकार चिन्ह जो दिया गया वही लक्षित हो रहा है। न चतुष्कोण मध्यवर्ती बिंदु, चतुष्कोण का बीच में वाला बिंदु को नहीं लेना, सा तो सहस्र कमल अंतर्गत, क्योंकि सहस्र कमल के अंतर वाला इंदु को बताया गया है, इंदु और बिंदु दो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ सहस्रदल पद में इंदु रूपा बिंदु है वहां, और ये जो बिंदु बता रहे शिवचक्र वाला वो बैंदव करके बार बार जो पूर्व में चर्चा आई हुई है वो बैंदव स्थान का बिंदु है, और ये जो चीज है सत आधार स्वाधिष्ठान आधार मूलाधार स्वाधिष्ठान दशदल प्रकृति भूत शिव शक्ति मेलना आविष्ट तनु सादाख्यम षड्विंशत तत्वांतेन सह नाद बिंदु कलानाम ऐक्यम नास्ति। कहते देखो आद मूलाधार स्वाधिष्ठान हुआ और दशदल दस दल वाला चक्र प्रकृति भूत शिव शक्ति मेलन से आविष्ट जो शरीर है वह सत नाम से कहा गया, और उसमें षड्विंश तत्वांतेन
26 तत्व तक उसके अंतर्गत है, 31 में से तत्वांत स, लेकिन वो नाद बिंदु कला नाम ऐक्यम नास्ती, उनका नाद बिंदु कला के साथ ऐक्यता नहीं मानी गई है, वो अलग रखो ऊपर होगा पांच तत्व में नित्य तत्व में। तस्य नाद बिंदु कलाती तत्व वास्तु जो शिव तत्व वो नाद बिंदु कलाओं से अतीत है, अतएव सहस्र कर्मणा अंतर्गत चंद्रमंडल मध्यवर्ती सुधा सिंधु रेव भगवत्या विहरण स्थान मिति, इसीलिए भगवती का वास्तविक विहार करने का स्थान कौन है, सहस्रार्धन प्रतिमा, सोने का स्थान मूलाधार, मूलाधार में आकर के सो जाती है और सहस्रार्ध में वो विहार करती है, आनंद की वर्षा करती है वो, और यह सोई रहती है, इसलिए यहां जो अविद्या अविद्या विद्या विद्या चलती रहती है, यहां तो अविद्या का फैलाव है, सोने से क्या होता है आदमी का नींद से आलस हो जाता है, जो है अंदर में जो है अलकस फैलता है शरीर के भीतर, तमोगुण फैलता है, इसलिए यहां जब कुंडली सो जाने की सो गई है ना सबके मूलाधार में, इसे सभी लोग आज जो है तम प्रदान वाले हो, अविद्या प्रदान चल रहे हैं, अज्ञान प्रदान चल रहे हैं, जब ये जगती और संसार में पहुंच जाती है सब ज्ञान प्रदान अमृत वर्षा होने लगती है। सौंदर्य लहर सुधा सिंधोर मध्य आया उसमें, बहुत सुंदर श्लोक बनाया, जब जगता है ये जग जाती कुंडलनी तो क्या स्थिति होती है जब वहां पहुंचती है, उसका वर्णन बहुत सुंदर। तो ये कह रहे हैं कि वह विहार स्थान है उसका, अतश्च श्रस्तित सहस्र दल कमलांतर्गत श्री चक्रात्मक शशि बिंब मध्य स्थिता भगवती, इसलिए सिर में विद्यमान सहस्र दल कमल के भीतर में मध्य में वर्ती सुधा सिंधु रेव व सीधा सिंधु रूपाई है भगवती, वो जो उसका है शशि बिंब मध्य स्थिता, चंद्रमा के बिंब के समान बिंब है उसम के मध्य स्थित वह भगवती है। अस्याह चरण निर्णय जन जल ही आगे ना, उसके चरणों को धोने से जो जल प्रवाह हुआ वही सुदामय ही वही अमृतमय है, साधक से सकलम शरीरम संप्लाव्य, साधक पूरा शरीर में व्याप्त होकर के पुनर्भुजंग रूपेण आधार कुंडलीम प्रविश्य, शक्ति प्रदान कर रही है, ये शक्ति वजह से हम जिंदे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन करते करते क्या करी वो, लेकिन साथ साथ वो नीचे पहुंच गई, पुनः भुजंग रूपेण एक सर्प आकार धारण करके आधार कुंडली में प्रविश मूलाधार में पहुंच गई, जिसका नाम कुंडलिनी पड़ा, वहां भी सुषुम्नाम अवष्टभ्य और सुषुम्ना के मुख में उसको बंद करके सा भगवती स्वपिति वह भगवती सो गई। और वर्णन आया ना कि आगे भी आएगा, तो उन्होंने क्या करा, अपने पूछ को मुंह में डाल दिया, अपने पूछ को मुंह में बंद कर और सीधा स्वामी सुषुम्ना को बंद द्वार को बंद कर ऐसे बैठ गई। इससे पहले उसका कुंडल को खोलना पड़ता है, फिर तभी जाके वहां से हिलेगी हटेगी तो सुषुम्ना द्वार खुलेगा ना, तो द्वार बंद कर रखे बैठे, ऐसे सुषुप्ति दर्शन बोलते हैं, पहले शक्ति जागरण सुषुप्ति दर्शन, पहले शक्ति संचालन क्रिया करनी पड़ती है, प्राण संचालन किया शक्ति संचालन क्रिया लिंगोत्थान सुषुप्ति दर्शन तब पुण्य जागरण, ये क्रियायोग की परंपरा में बताएगा। यथोक्तम वामकेश्वर तंत्र, इस विषय वामकेश्वर तंत्र में और बात कही गई है, भुजंगाकार रूपेण मूलाधारम समाश्रिता शक्ति कुंडलिनी नाम विसतंतो निभाशुभा, कहते भुजंगाकार रूपेण सांप के आकार रूप धारण करके मूलाधार में आश्रित है वह शक्ति, वहां पर जाने पर उसका नाम पड़ता है कुंडलिनी विषतंतु निभा, और देखने में कैसी लग रही हो सांप, लाल लाल रंग की है लगभग, बिल्कुल लाल भी नहीं, विषतंतु विषतंतु माने कमल, कमल का जो नीचे का धागा सा होता है ना वो कैसे रंग का है, वैसे रंग वाली है, लाल है ना सफेद है, कमल का नाल नहीं होता नीचे वाली, उस जो धागे होते हैं धागे धागे जैसे दुनिया और होता है उसके रंग की है वो, विष तंतु निभा आशुभा मने
क्षण प्रभा विद्युन्निभा इत्यर्थ। और बिजली जैसे चमकीली है वो बैंड का। मूल कंदम फणाग्रेन दृष्टा कमल कंदवत मुखेन पुच्छम संग्रीह्य ब्रह्मरंध्रम श्रमाश्रिता पद्मासन गत स्वस्थ गुदम संकुच्च साधक वायुर्मूर्धगदं कुर्वन् कुंभकाविष्ट मानस। तरीका भी बता रहे कैसे जगाना है कुंडलनी को। वायवाघात वशाद अग्नि स्वाधिष्ठान गतो ज्वलन ज्वलनाघात पवनाघात उन्निद्रितो अहिरात रुद्र ग्रंथिं ततो भित्त्वा विष्णु ग्रंथिं भिनत्यतः ब्रह्म ग्रंथिं च भित्त्वैव कमलानि भिनत्ति षट् सहस्र कमले शक्ति शिवेन सह मोदते सावस्था पराज्ञेया सैव निर्वृति कारणम। ये मोक्ष का कारण साधन। मूल कंदम मूलाधार में इसको कंद प्रदेश कहते हैं। एक कंदासन भी लोग करते हैं, दो मानेंगे, मूल नाभि से ऊपर भी कंद मानते हैं और कुछ नाभि का नीचे कंद मानते हैं। इसको मूल कंद नीचे का कंद को लेना। फणाग्रेण दृष्टवा कमल कंदवत कमल के कंद के समान ये भी कंद है। फण के अग्र के द्वारा देखी जा सकती है। मुखेन पुच्छम संग्रह है ना, मुख से अपने पुच्छ को पकड़ करके बैठी हुई है, अर्थात पुच्छ को मुंह में डाल करके बंद करके मुंह में बैठी हुई है, ऐसे कुंडल लगा रखी है वो। ब्रह्मरंध्रम समाश्रिता इन आश्रित गाय है वो, इसका हमेशा आश्रय वास्तव उसका ब्रह्मरंध्र में आश्रित है। ब्रह्म में आश्रित रहने वाली अब यहां आकर के इस रूप से बैठी हुई है, तो कैसे इसको वहां वापस पहुंचाया जाए। कहते पद्मासन में बैठो, पद्मासन गदा स्वस्थ स्वस्थ होना चाहिए आदमी, निरोगी तो गड़बड़ हो जाएगा। और पद्मासन में बैठना है, गुदम संकुच्च साधक साधक को क्या करना चाहिए, अपने गुदक प्रदेश क्यों बार बार खेचो ऊपर की ओर, स्प्रिंग जैसे खेची ऊपर छोड़िए फिर खेची फिर छोड़िए, उसको मूल बंद की एक प्रक्रिया में बताई देंगे। गुदम संकुच्च साधक वायु ऊर्ध गतम गुरुवन, इस तरह से क्या करना, वायु को ऊपर उठाना, इस तरह इसको मूल बंद लगाना पड़ता, मूल बंद उड्डयन बंद और चालन बंद तीनों के साथ महामुद्रा का करो, महाभेद मुद्रा, तब षट चक्र का भेदन होता है। और महाभेद मुद्रा को समझा रहे तो क्या, पेट को नीचे अंदर घुसाना पड़ता है, नीचे करने के साथ साथ पेट को अंदर जालंधर बंद हो गया, नीचे दबा दो, पैर लंबा रहता है उसमें, पैर दोनों हाथों से अंगूठा पकड़ा जाता है, एक पैर अर्ध पद्मासन में रखना है, दूसरा पैर लंबा रहेगा और ये पकड़ेगा, फिर शांति मुद्रा लगा देगा ऊपर की ओर ताकि प्राण ऊपर ही जाए, दृष्टि यहां डाल दें सामव्य मुद्रा से। सो महाभेद मुद्रा क्या अवय है, सारी चीज है वही समझा रहे। वायु ऊर्ध्वगतं कुर्वन् तो कह रहे क्या भागे नीचे लेना ना, कुंभक का अविष्ट मानस कुंभक लगाओ अच्छी तरह से, ऐसा अभ्यास खूब करना पड़ता है ना, कुंभक का अविष्ट मानस कुंभक से आविष्ट मन वाला रहो। वायवाघात वशाद तब वायु के इस आघात की वजह से क्या होता है, आपकी नाभिगत अग्नि प्रज्वलित, फिर अग्नि स्वाधिष्ठान गतोज्वलन व अग्नि स्वाधिष्ठान गत सकल जो आपकी कलमश है उसको जला देगा, जलाएगा जब ज्वलन आघात पवन आघात तब बार बार अग्नि का आघात और पवन का आघात जब करोगे कुंडली जल जाएगी। उन्निद्रितो अहिरात ये जो सर्पों का राजा अहिरात महारानी कुंडलिनी जग जाएगी, उन्निद्रित हो जाएगी, नींद को छोड़ के खड़ी हो जाएगी, चलेगी सीधा फड़ाक से ऊपर मूलाधार से सीधे पहुंचेगी मणिपुर। स्वाधिष्ठान की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, यही सारा मल है स्वाधिष्ठान, इसको शुद्ध पहले आपने कर दिया अच्छी तरह से, अग्नि के अनुसार भस्म कर दिया वहां को, वायु से भी उसको जो है उत्पनात कर दिया है, अब अत्यंत शुद्ध है,
तो मूलाधार से जब निकली वो सीधा रुद्र ग्रंथि जो यहां पर विराज नाभि में उसको तोड़ देता है। रुद्र ग्रंथि तदो भित्वा फिर ऊपर आदि कंठ में विष्णु ग्रंथिम भिनत्यतः ब्रह्म ग्रंथिंच भित्तैव, फिर एकदम ऊपर आज्ञा चक्र का ब्रह्म ग्रंथि का ही भेदन करके ऊपर उठ गई। कमलानि भिनत्ति षट, इस पर पूरे छह षट चक्रों जो कमल थे षट को भेदन कर देती है। सहस्र कमले शक्ति, तब सहस्र कमल में पहुंच कर शक्ति शिवेन सहमोदते, शिव के साथ एक ही तो आनंद की नृत्य करने लगती है। साच अवस्था, ऐसी जो शिव शक्ति की जो अवस्था है वही पराज्ञया सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, वही निवृत्ति कारणम सैव, वही मोक्ष का कारण है। इसमें श्रुति भी कह रही है, श्रुति रवि श्री चक्रात्मक शशि बिंब मध्यगताया, श्री चक्रात्मक जो चंद्र बिंब के मध्य में स्थित भगवत्या चरणाम्बुजामृत धारा सेचनम प्रतिपादेती, चरणाम्बुज से चरण कमल से निकली हुई अमृत धारा का आसेचन के बारे में उसकी जो इस साधक पर जो सिंची हुई है उसके बारे प्रतिपादन श्रुति भी करते तथा लोकस्य द्वारमर्चिमत् पवित्रम ज्योतिष्मत् भ्राजमानं महस्वत् अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुल्तान दधातु। इस गार स्वयं विस्तार से कर रहे हैं, इसलिए अस्य अर्थः लोकस्य स्वनिवास स्थान, लोक क्या है हम सब के अपने अपने निवास स्थान, निवास स्थान क्या है आश्रम नहीं घर द्वार कमरा नहीं, ये हम लोग कहाँ रह रहे हैं इस समय इस शरीर में, हम लोगों का निवास स्थान असली शरीर है, अज्ञान वशात हम लोगों का निवास स्थान हो गया है शरीर। स्वनिवास स्थान से सायुज्य से साष्ट्यादेरवा ब्रह्म लोकादेरवा द्वार, जहां पर आप सायुज्य से युक्त हैं चाहे साष्टी अनेक वृद्धि सिद्धि से युक्त हैं, यहाँ यहाँ विद्यमान एक देवी देवताओं जगा कर साथ मौज में हैं आप, ऐसा भी चाहे ब्रह्मलोक का निर्वाण, चाहे साधक यहाँ से मुमुक्ष हो ब्रह्मलोक पहुंच गया क्रम मुक्ति के लिए, चाहे कहीं भी हो द्वारम तत् प्रापक मित्यर्थ लोकस्य द्वारम, उसको प्राप्त कराने वाला द्वार है। और द्वार कैसा होता है अर्चिमत, अर्चिमत होगा अनेक किरणों से, जैसे उधर अग्नि का लपट निकलता है उसको अर्ची कहते, उसके जैसे अर्चियों वाला ये सूर्य जैसे किरण निकल रहा है वैसे ही वहां से प्रकाश में द्वार होता है। और द्वार में अंधकार नहीं है, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। अर्चिमत द्वारे हर द्वार अर्चिंशी मयूका अस्य संति थी अर्चिस्मत इत्यर्थ, छांद सकार लोप हुआ है अर्चिस्मत होना चाहिए अर्चमत। मयू कहा मैंने किरणा, ऐसे किरणों से युक्त तेजोमय द्वार है, यह अंधकारमय द्वार है। क्यों कुंडली ने द्वार सुषुम्न द्वार को बंद कर दी, अति अंधकारमय द्वार हो गया, तो खुल के ऊपर पहुंचती तो वहां पर ज्योतिर्मय द्वार पवित्रम। और कैसा वो द्वार पवित्रम अति शुद्धम, अन्य शुद्धि हेतुश्च अन्य अशुद्धि हेतुश्च, अन्य कोई भी अशुद्धि का कारण वह नहीं है, इसलिए वह अत्यंत शुद्ध द्वार है। ज्योतिष्मात् भ्राजमानम महस्वत् इति आम्रेडनम, स्तुति की जा रही है, वह ज्योतिर्मय है भ्राजमाने महस्वान महान है तेज है। अर्थिस्मत संस्कृति अर्थ उसी को संस्कारित करके और स्पष्ट करेंगे सब शब्दावली प्रयोग की गई श्रुति में यद्वा, अथवा तो ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं श्री चक्र को तीन खंडों में बांट दिए, श्री चक्र को तीन खंड में बांट दिए, एक एक खंड में भी वो तीन चीजें ना हमारे यहां कौन सूर्य सोम अग्नि, एक अग्निखंड है एक सोमखंड है एक सूर्यखंड है, नीचे अग्निखंड है बीच में सूर्यखंड है ऊपर में सोमखंड है। अब इन खंडों में 360 विशेष जो है ज्योतिर्मय किरण निकलते रहते कुल मिलाकर,
इन्हीं 1160 दिन का एक साल मान, देवी का तीन खंडों के द्वारा 360 किरण है, जिन किरणों से हम लोग जीवित हैं वे ही किरणों के आधार पर सारी इंद्रिया काम कर रहे हैं। वो कौन से देखो, चक्र से त्रिखंडत्वेन अर्चिष्मद् इत्यनेन क्या करना, इसलिए अर्चिष्म शब्द को आग्नेय खंड के लिए घटा देना। अर्चिष्मद् आया, ज्योतिष्मद् आया, महास्मद् आया, तीन शब्द तीन खंडों के लिए। अर्चिष्मद् से आप लीजिए आग्नेयानी अर्चिंशी कितने है, वो अष्टोत्तर शतम कथ्यन्ते 108 है, अग्निखंड में 108 किरण निकलता है सबसे निचला वाला। फिर ज्योतिष्मद् इत्यनेन ऐंदवानी षट्त्रिंशत्तर शतम ज्योतिषी, वो जो है इंदु का चंद्रमा के ऊपर वाला, वो है 136 किरण। और मासव इत्यनेन भानवीय षोडशोत्तर शतम महांसी किरणाः संग्रहियन्ते, उससे जो है सौर्य सूर्य का वह 116, तो अग्नि का हो गया 108, चंद्रमा का हो गया 136, सूर्य के हो गए 116, कुल हो गया 360। एतच्च उत्तरत्र निपुणत्रम उपपादिशन, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, इसका तात्पर्य क्या है समझाएंगे सारी चीजें विस्तार। अमृत से धाराः, अब आइए वापस मंत्र में, अमृत की धारा माने सुधायः प्रवाह, सुधा के प्रवाह, बहुधा माने बहु प्रकारेण, बहु प्रकार से का मतलब क्या, अरे आपकी 72,000 नाड़ियों में ये बहुत प्रकार से बहेगी। जैसे आप जो विश्व के चित्र आप देखेंगे, अभी नदियों का चित्र केवल विश्व का नहीं देखा गया, विश्व के केवल पहाड़ों का चित्र होता है, शहरों का चित्र होता है, अलग मिलता है विश्व देश का भी, इसी प्रकार देश अपना बना रखा है। आप विश्व का चित्र देखिए जिसमें नदियां इधर इधर उधर, आप देखिए लोग पूरी की पूरी लाइन लाइन पूरा का पूरा। इसे हमारे शरीर में क्या है, सारे नाड़ियों में ये जो खून बह रहे हैं, गंदा पानी बह रहा है, सब नाड़ियों में भी बह रहे हैं। इसमें उसको लेना है जो शुद्ध नाड़ियां जिनमें दिव्य शक्ति अमृत धारा बह रही है। द्विशक्ति थे ससन नाड़ी मार्गेश दोहमानम किरत चंद्रमंडल गत सुधाधारा प्रवाहान स्व निर्णेजन पवित्रतान वर्षदित्यर्था। वो दोहन होने का मतलब क्या, गाय थोड़ी कि दोहन करोगे, इसका तात्पर्य है वो चंद्रमंडल द्वार सुधाधारा के प्रवाह अपने बाद भगवान में भगवती के चरणों को धोने से वह पवित्र होकर के यहाँ पर बह रही है। तच्चरणम चरण शब्द नपुंसक, यहाँ जो है चरण शब्द नपुंसकलिंग प्रयोग हुआ, इसलिए पर पदंग्री चरणो अस्त्रियामित्यमरा, अमर कोशकार ने कहा पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में प्रयोग हो सकता है चरण शब्द, स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं हो सकता कहा है। तस अस्मान साधकान लोके न, मने अस्मान चरण चरणम लो, उनका जो चरण से निकल तो आज अमर धारा है वो हम साधकों को, न मने हम साधकों को क्या करें, लोगे प्रांचे सुदितान तृप्तान, हम सबको तृप्त कर धारण करें दधातु। यद्वा संजात बुद्धि प्रकाशन, हम सब कहने का तात्पर्य है हम सभी के अंदर बुद्धि में सम्यक प्रकाश देवे देवी अपनी अमृत धारा से, हमारी बुद्धि को विवेक से भर दे, वैराग्य से भर दे। इसे कहते हैं ना भिक्षा में भी हम क्या बोलते, वेक वैराग्य, इसीलिए कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संग्रह प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान समय विवेक, विवेक वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देही नमोस्तुते। इसे कहते हैं हमारे भिक्षा भी जो हम ले रहे खा रहे हैं ये भी हमें ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करें, विवेक और वैराग्य को भर दे हमारे बुद्धि में, जो अन्न खा रही है अन्न से रस जो बनेगा और रस हमको विवेक वैराग्य पूरा देगा, हमारा मन को कहीं संसार की ओर भोग की ओर अन्य वस्तुओं की वासनाओं के अधीन होकर के तोड़ने न दे, यह अन्न पचकर हमको
सदा एक वैराग्य प्रदान करे, प्रार्थना करके हम लोग भोजन करते हैं। चरणाय स्वाहा बोला जाता है मंत्र। अरे यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहा हूँ, मंदिर करे मंत्र, क्योंकि ननो अयम मंत्र अषाढ़ासु इष्टिषु याज्ञत्व नामना था। अरे ये जो मंत्र आपने उद्धृत किया है, ये मंत्र तो अषाढ़ अषाढ़ में होने वाली जो पितृकर्म में होने वाली इष्टि विशेष होता है उसमें भी हित मंत्र है। उसको कहाँ अपने शक्ति के साथ जोड़ दिया, प्रकरण कहाँ का कहाँ लिया है आप? तब कहते हैं मंत्राणाम संवेदार्थ प्रकाशनशीलता। और मंत्र क्या है? जिस कर्म में जो पदार्थ है उसी पदार्थ को बताने के लिए होता है। तुम्हारे कुंडली शक्ति को बताने के लिए थोड़ी है मंत्र, वहां तो श्राद्ध चल रही, पितृ देवता संबंधी कोई मंत्र है तो। और वहां पर मंत्र प्रयोग चरणाय स्वाहा ऐसे बोला जाता है वहां। इति चतुर्थ्यर्थोपहित शब्द शिव देवतात्वात् एवं व्याख्यान न संगच्छते, इसलिए चतुर्थ्यर्थोपहित शब्द को ही देवतावाचक भी मानी गई है। यहाँ ऐसा कुछ भी न होने के नाते आपके ये देवी विशेष के पर व्याख्या जो कर रहे हो बिल्कुल गलत, ये पूर्व पक्ष ने कहा। चेत उच्चत, सुनो इसका जवाब क्या है। अत्र और भगवत पादा शंकराचार्य कहते हैं, अरे वो आदमी मूर्ख है जो सिद्ध अन्नम परित्यज भिक्षा मटिति दुर्मति ही, वही न्याय तुम पर लागू हो रहा है जैसे शंका कर रहे हो। सिद्धम अन्नम परित्यज, किसने कहा महाराज हमारे यहाँ पधारे हो, यहाँ बढ़िया भोजन रेडी है, तैयार है, बैठिए भोजन पाके जाइए, भिक्षा लेके जाइए। मैं उधर गाँव में जा रहा हूँ भिक्षा मांग। सिद्ध भोजन छोड़ करके जाने वाला मूर्ख नहीं तो रह गया वो, दुर्मति है। वैसे ही शब्दों से जो स्पष्ट अर्थ भाषित करो उस अर्थ को छोड़ करके कहीं अन्य अर्थ लेने की ओर तुम दौड़ रहे हो। अरे वो पितृ श्राद्ध का मंत्र है, वह अर्थ ले लो, वो अर्थ ले लो। अरे कर्म कांड में किसी मंत्र को कहीं प्रयोग कर देते, अब देखो गंधद्वाराम दुराधर्षाम मंत्र प्रयोग कर दिया, किस लिए? अगरबत्ती जलाने के लिए। अरे वो मंत्र का प्यार तुम कहां प्रयोग कर रहे हो भाई? अब गणेश जी का पूजा लगा गणा नाम था गणपति हवाब गणपति गणेश जी, अरे वो तो शिव जी का मंत्र है, उस पूरे मंत्र का शिव जी है। अब आपने उसको उठाया गणेश जी के लिए प्रयोग कर दिया। इसे कर्म में ऐसा प्रयोग होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है जिस कर्म में जो विषय है जो देवता वगैरह है उसी को प्रकाशन कर लो मंत्र का प्रयोग होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। कर्म का स्मृतियों में श्रौत सूत्रकार है और गुरु परंपरा बता दिया ये मंत्र विस्तर प्रयोग उसके लिए प्रयोग कीजिए, उस मंत्र का क्या है बोलेंगे नहीं। ये कर्मकांड में नियम ये नहीं बनता है कि जिस देवता का आप कर्म कर रहे हो उसी देवता का अर्थ बताने वाला मंत्र का ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। तो विधियों के अधीन है, विधि जिसका है जिस मंत्र को जहां प्रयोग कर विधि में विधान करके प्रयोग किया जाएगा तो इसका कुछ भी होगा। लेकिन जब अर्थ को लेकर विचार करेंगे वो तो जो आप वास्तविक करते उसको वहीं प्रयोग करेंगे, अयम भाव इत्यादि विचार आएगा।